ये बता सकता हूँ कि जहाँ उनके साथ मेरे डिफरेंसेस पैदा हुए वो डिफरेंसेस इस वजह से थे कि उनके पास गेम की नॉलेज नहीं थी। जब हम सिलेक्शन पे बैठते थे और आर्गुमेंट होता था तो उनके पास उसका जवाब नहीं होता था, किसी प्लेयर को लेने का और किसी प्लेयर को ड्रॉप करने का, जिससे वो बेसिकली शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और वो प्रोफेशनल कोच हैं भी नहीं। और हमने उन्हें डेवलप करने के लिए यहाँ रखा था और वो उनको अपॉर्चुनिटी दी थी, उनके पास कोई ऐसे क्रेडेंशियल नहीं थे जिसकी बेस पे वो किसी नेशनल टीम के कोच बन सके। तो उनकी शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से अक्सर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती। बहुत कई दफ़ा वो टीम मीटिंग से उठ के भाग गए क्योंकि वो समझते थे कि जी मेरे पास का जवाब नहीं है, मुझसे क्यों पूछ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हुई। श्रीलंका में उनको मैच रेफरी ने होटल भेज दिया क्योंकि ग्राउंड में वो ऐसी बातें कर रहे थे पिच पे खड़े होकर मोबाइल पे। तो बहुत सारे वाक़े रकीब सर के साथ हुए, शायद असलम के साथ उन्होंने मलेशिया में लड़ाई की, मेरे साथ भी एक स्टेज पे लेकिन नेट के दौरान इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई थी जो कि बाद में उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया और उसको फिर बाद में उस बात को मतलब रिकॉर्ड में नहीं लाया गया वो, क्योंकि बीच में जो मैनेजर थे रकीब सर उन्होंने उस चीज़ को डिफ्यूज़ किया। तो ये एज ए कोच उसका वीक पॉइंट है, वीकनेस है बल्कि मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट टेम्पर होना और लॉजिकली और टेक्निकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन ना करना, ये शो करता है कि उसके पास इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द गेम नहीं है, विजडम नहीं है। तो ये कोच की भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता।